बैठक बुलाई गई है उस पर उनका बयान आया है कि मैं भी बैठक में भाग लूंगा। तो कौन पहाड़ गिर जाएगा, भाग ले, ये सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो रहेंगे ना भाई, तो अपने मुहा मिठू बनना है, अपने मन से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बन जाना है तो सब प्रधानमंत्री आ जाएं। इस देश में प्रधानमंत्री के पदे बढ़ा देना पड़ेगा, चार पांच को कर देगा तो इन लोगों का काम चल जाएगा, चार पांच को में हमको ही नहीं पता, चार पांच को में भी अगर बढ़ा दे तो इन लोगों को काम चल जाए तो बड़ा ठीक रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि यह चिंताजनक है कि जब वे भारत की समस्या को दुनिया के सामने लाते हैं और लोगों को इसके बारे में कुछ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, राहुल गांधी को लेकर के ये बात है, यदि आप कहते हैं कि भारत में समस्याएं और बड़ी चिंताएं हैं और दुनिया को इसके बारे में कुछ करना चाहिए तो इसके बड़े निहितार्थ हैं और यह देश के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, दुनिया का कोई देश है जहां समस्या नहीं हो? समस्या नहीं हो तो वो देश नहीं हो सकता है, और जहां समस्या होगा वही लोकतंत्र होते हैं और इसी के लिए लोकतंत्र बने। कांग्रेस पार्टी ने सारे समस्याओं को समाधान लंबे समय से कई पुश्तों ने राज किया तो सारी समस्याओं को खत्म कर दिया था। ये तो ओछी मानसिकता है जो लोग कल तक नरेंद्र मोदी जी से हेट करते थे, अब नरेंद्र मोदी जी के सशक्त होने से और जो यहाँ के भारत के लोग जो उनके नेतृत्व में विश्वास करता है अब उनको इन लोगों ने गाली देना शुरू किया है, भारत का गाली देना, हिंदुस्तान की जनता को गाली देना। कांग्रेस महासचिव और संगठन के प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट की 11 जून को एक नई पार्टी की घोषणा की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये सब अफवाह है, मेरी जानकारी में राजस्थान में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है, मेरी सचिन पायलट से 2-3 बार बात हुई है, चिंता मत करो, हम एकजुट होकर लड़ेंगे, राजस्थान कांग्रेस के साथ होगी, इन अफवाहों पर विश्वास न करें। तो इनको कहने की जरूरत क्या है, तो भाषण का लदे रहे हैं कि जब हटवे नहीं करेंगे सचिन पायलट, पार्टी बनाइबे नहीं करेंगे, डिस्टर्ब होवे नहीं करेंगे, तो ढोलक झाल काला बजा रहे हैं, यह सिद्ध कर रहे हैं कि कुछ न कुछ होने जाने वाला है, कुछ होगा, कोई टूट होगी, इसीलिए ये रफू कर रहे हैं। रफू तो तभी होता है जब कहाँ कहीं छेद हो जाए, तो ये रफूगर के काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि निश्चित ही कुछ होगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली है, इसको लेकर के शरद पवार ने कहा है कि इस राज्य के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार किसी भी पार्टी में के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, ऐसे में अगर कोई यह सोचता है कि वह धमकियों से आवाज बंद कर सकता है तो यह गलतफहमी है, मुझे सिस्टम और पुलिस की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं। नहीं, अब उचक्के लोग हर जगह कहीं न कहीं होते हैं, अगर सचमुच में थ्रीट क्या हो, इसे संजय राउत को कोई थ्रीट क्यों करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों की आदत है मीडिया में और सुर्खियों में बने रहने के लिए भी कई तरह से अपने आप को मैन्युफैक्चर करके एक्सट्रीम लाइन में रहना चाहते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा भी राजनीति में होता है, ये भी हो सकता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव होने वाले हैं तो ईडी वहां भेजा जाता है, जिन राज्यों में विपक्षी दल सत्ता में है वहां भी ईडी को भेजा जाता है, ईडी दबाव में काम कर रही है जो सही नहीं है, हमें ईडी या सीबीआई से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें किसी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। समस्या जब है ये नहीं है, दांत में दर्द है ही नहीं, तो दांत दर्द के दवाई से लेने की क्या जरूरत, और ईडी सीबीआई ये जो बने हैं वो बांसुरी बजाने का तो विभाग है नहीं, वो तो ऐसे ही जगहों पर जहां उसको लगे कि कहीं कोई राज्य के साथ आर्थिक रूप से या आपराधिक रूप से कोई बात छुपाया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वैसे ही जगह पर वो जाते हैं। हमको और आपको कहाँ ईडी, आपको कभी धरा है, हमको कभी धरा है, तो धरता उसी को है जहां से कुछ निकलता है, जिसमें घबराने की बात किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इस देश के कोई बड़े लोगों को घबराना नहीं चाहिए।